अगली खबर आ रही है सतना से, जहां जिले के अमदरा थाना में तैनात पुलिस कर्मियों को एक निजी फंक्शन में चल रहा डांस देखना महंगा पड़ गया है। फूहर डांस देखने को पुलिस कर्मियों का वीडियो वायरल होने के बाद एसपी ने दोनों पुलिस कर्मियों को लाइन अटैच कर दिया है। हालांकि इस पूरे मामले को क्षेत्र के दो नंबरी कारोबारियों की साजिश का हिस्सा भी बताया जा रहा है। हासिल जानकारी के मुताबिक अमदरा थाना क्षेत्र के घुनवारा में 10 अक्टूबर को बाबू साहू नाम के ग्रामीण के यहाँ बरहों कार्यक्रम का आयोजन किया था। इस कार्यक्रम में देवेंद्र नगर से डांस करने के लिए महिला डांसर भी बुलाई गई थी। रात में महफिल सजी तो उसमें तमाम नेता, व्यापारी और आमजन भी जमा हुए। अमदरा थाना के दो पुलिस कर्मी संतोष राय और सुनील सावरिया भी पहुंचे और महफिल में लगी कुर्सी पर बैठ गए। महिला डांसर नृत्य करती रही, तब भी पुलिस कर्मी वहां जनपद सदस्य के पति वीरेंद्र यादव, सरपंच के पति ओम साहू के बगल में बैठे रहे। हालांकि इस दौरान एक डांसर ने पुलिस कर्मी के नजदीक आने की कोशिश की तो पुलिस कर्मी ने उसे झटक कर दूर कर दिया। इस डांस प्रोग्राम का वीडियो गुरुवार को सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो मामला एसपी सतना आशुतोष गुप्ता के संज्ञान में आया। एसपी ने अमदरा थाना में पदस्थ आरक्षक संतोष राय और सुनील सावरिया को लाइन अटैच कर दिया। इस मामले में टीआई अमदरा राजेंद्र पाठक ने बताया कि 10 अक्टूबर को घुनवारा में ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम आयोजित किए जाने की जानकारी देकर एहतियाती तौर पर सुरक्षा मांगी गई थी। इसी लिहाज से पुलिस कर्मियों को गश्त लगाने के लिए बोल दिया था। वे वहां पहुंचे तो चलते प्रोग्राम के बीच उन्हें बैठा लिया गया। इसी बीच किसी ने वीडियो बनाकर वायरल कर दिया और यह प्रचारित करना शुरू कर दिया कि पुलिस कर्मी फूहर डांस देख रहे थे। क्षेत्रीय लोगों ने कहा कि घुनवारा क्षेत्र में दो नंबरी कारोबार करने वाले आरक्षक संतोष राय को फंसाना चाहते थे, इसलिए साजिश रचकर यह वीडियो वायरल की है।